फरीदाबाद में हेरोइन, स्मैक और अन्य नशे के सामान बेचने वालों की खैर नहीं। फरीदाबाद में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसका नाम सोनू उर्फ जूली है और ये स्मैक बेचते हुए पकड़ा गया है। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फरीदाबाद की इकाई ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए नशा तस्कर को फैरस सोसाइटी के पीछे सेक्टर 89 से 8.28 ग्राम हेरोइन पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम को एक गुप्त सूचना मिली थी। सोनू उर्फ जूली पुत्र सुखबीर निवासी गांव खेड़ी कला जिला फरीदाबाद स्मैक हीरोइन बेचने का काम करता है, जो अभी फैरस सोसाइटी के पीछे सेक्टर 89 फरीदाबाद में खाली मैदान में बैठकर नशीला पदार्थ स्मैक हीरोइन बेच रहा था। यदि फौरी तौर पर रेड की जाए तो नशीला पदार्थ स्मैक सहित काबू आ सकता है। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को वहीं पर दबोच लिया। आप लोग देख रहे हैं आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। इसके अलावा जो हीरोइन बरामद की गई है वो भी आप लोगों के सामने है। फरीदाबाद यूनिट के इंचार्ज इंस्पेक्टर सतपाल सिंह ने ऑपरेशन की जानकारी दी और नशा तस्करों को कड़ी चेतावनी जारी की। देखिए हमारी HSNCB की टीम नहर पार फरीदाबाद गश्त कर रही थी नशे की रोकथाम के लिए। उसी टाइम मुखबर से हमें सूचना मिली कि सोनू नाम का युवक सेक्टर 89 पेरिस सोसाइटी के साथ में लगती हुई एक कोठरे में स्मैक बेचने का काम करता है। अगर थोड़ी रेड की जाए तो वो स्मैक सहित काबू आ सकता है। जो हमने जो अपनी टीम को साथ लेकर और वहाँ रेड की तो हमें जो सोनू स्मैक सहित जो है मौके से गिरफ्तार पकड़ लिया है। जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पर बुलाकर तलाशी ली गई है। जो इसकी तलाशी में जो इसकी शर्ट की जेब से सफ़ेद पन्नी के अंदर जो है 8.88 मिलीग्राम जो है समय हीरोइन बरामद हुई। जी, क्या लगता है कि इनके पीछे और भी तमाम लोग होंगे जिनका ये काम है, गुट होगा इनका है, क्या लगता है? गुट है, वो आगे तफ्तीश चलेगी जी, उसमें जो खुलासे होंगे, जो भी इसमें जो है ना दोषी आरोपी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जी, ठीक है।